सो लाख हमने यहाँ पे स्पॉट कर दिया, 10,000 यहाँ पे स्पॉट करेंगे। जो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होगा उसको हम इंडियन सिस्टम में स्पॉट करेंगे, और जो राइट हैंड साइड पे लिखा होगा उसको हम इंटरनेशनल सिस्टम में स्पॉट करेंगे। ठीक है, सो लाख को स्पॉट कर लिया और 10,000 को स्पॉट कर लिया। अब हम 1 लाख को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। 10,000 को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। अब इसमें काउंट करो कितनी जीरोज हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और इसमें कितनी है, 1, 2, 3, 4। तो कितनी जीरो नहीं है, इस साइड 5 जीरोज हैं, इस साइड 5 जीरोज हैं, एंड हियर वी हैव ओनली 4 जीरोज। तो हमें इक्वल बनाने के लिए एक जीरो और चाहिए यहाँ इस साइड पे। तो कितने 1,000 हो जाएंगे, एक जीरो और चाहिए मतलब 10। तो 1 लाख इज इक्वल्स टू 10,000। कैसे बताया मैंने, फर्स्ट स्टेप आपका ये है, इधर क्या लिखा है, लाख। तो लाख को स्पॉट करेंगे इंडियन सिस्टम में। इधर क्या लिखा है, 10,000। 10,000 को इंटरनेशनल सिस्टम में स्पॉट करेंगे, एंड देन हम इनको न्यूमरल्स में लिखेंगे। 1 लाख को ऐसे लिखेंगे, 10,000 को ऐसे लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ जीरोज काउंट करेंगे। इसमें 5 जीरोज हैं, इसमें 4 जीरोज हैं। इक्वल, दोनों साइड को इक्वल बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक और जीरो चाहिए राइट हैंड साइड में, तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 लाख में 10,000 हो जाएंगे। ठीक है, और पार्ट्स देखते हैं इसके। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, हमें पूछा है 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 100,000। तो वही मैं इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में स्पॉट करेंगे। 1 मिलियन, 1 मिलियन इधर है इंडियन सिस्टम में, अब नहीं है, अब हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम में स्पॉट करेंगे। वैसे ही 100,000, 100,000 भी इधर ही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम न्यूमरल्स में लिखेंगे। पहले 1 मिलियन ऐसे लिखेंगे, 100,000 ऐसे लिखेंगे। अब नंबर ऑफ जीरोज काउंट करेंगे, इधर कितनी जीरोज है लेफ्ट हैंड साइड पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जीरोज, एंड हियर वी हैव 5 जीरोज। तो इक्विवेलेंट बनाने के लिए, इक्वल बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक और जीरो की ज़रूरत है, मतलब एक 10 की ज़रूरत है। तो इसे इक्विवेलेंट बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास 6 जीरोज हैं, यहाँ पे 5 जीरोज हैं, तो एक जीरो और चाहिए मतलब 10 चाहिए। तो 1 मिलियन इक्वल्स टू 100,000 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 10 लाख-10। इस केस में भी हम न्यूमरल्स में लिखेंगे पहले, तो 1 करोड़ को ऐसे लिखेंगे एंड 10 लाख को ऐसे लिखेंगे। अब काउंट करते हैं नंबर ऑफ जीरोज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 जीरोज हैं यहाँ पे, एंड हियर वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जीरोज हैं। तो इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल बनाने के लिए दोनों साइड को, LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS राइट हैंड साइड को, हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 1 करोड़ आ जाएगा। सो 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 10 लाख। देखो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आते 1 मार्क के हैं बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो अच्छे से समझना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंसर्ट द कॉमास, यू हैव टू पुट द कॉमास, राइट? कॉमास का कंसेप्ट भी मैंने बताया था। सो अब हमें ये पहचानना पड़ेगा कि ये नंबर इंडियन सिस्टम में है या इंटरनेशनल सिस्टम में है। लेट्स सी, देखो 1, 10, 100, 1,000, 10,000, लाख, लाख तक जा रहे हैं, तो ये इंडियन सिस्टम में है। तो इसमें कॉमास कहाँ कहाँ लगेंगे, 1, 10, 100 के बाद, 1,000, 10,000 के बाद, एंड देन लाख। ठीक है, सो इस तरीके से हम कॉमास इंसर्ट करेंगे। इसमें दिक्कत क्या आती है, इसमें सिर्फ ये दिक्कत आती है कि आपको पहचानना होता है कि इंडियन सिस्टम कौन सा है और इंटरनेशनल सिस्टम में कौन सा है। अब जैसे ये वाला देखते हैं, 1, 10, 100 यहाँ आएगा, 1,000, 10,000 यहाँ आएगा, लाख, 10 लाख यहाँ आएगा, करोड़, 10 करोड़ यहाँ आएगा। इंडियन सिस्टम की मैंने ये वाली बात कर ली, अगर इसी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, 1, 10, 100 के बाद कॉमा, 1,000, 10,000, 100,000 के बाद कॉमा, एंड देन बचा क्या,
oops, sorry, ones, tens, हंड्रेड के बाद थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड के बाद, अब यहाँ आ रहा है, लेकिन किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में क्या कॉमर्स होते हैं? नहीं होते हैं, तो यहाँ पे नहीं लगाना हमें, राइट। सो ये है इंटरनेशनल सिस्टम के केस में, ठीक है। दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। इंडियन सिस्टम में कॉमर्स इस तरीके से लगेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमर्स इस तरीके से लगेंगे। आपको क्वेश्चन में या तो बताया गया होगा कि आपको इंडियन सिस्टम में करना है या इंटरनेशनल सिस्टम में करना है, अदरवाइज आपको दोनों करके दिखाना पड़ेगा। एक ये वाला एग्जांपल भी ले लेते हैं। इंडियन सिस्टम में अगर करूँ तो वंस, टेंस, हंड्रेड के बाद थाउजेंड, टेन थाउजेंड के बाद लाख, टेन लाख के बाद करोड़, टेन करोड़ के बाद, ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होगा? वंस, टेंस, हंड्रेड के बाद थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड के बाद मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन के बाद। लेकिन यहाँ पे कोई डिजिट है ही नहीं इससे पहले, इससे पहले कोई डिजिट नहीं है ना, तो कॉमा नहीं लगेगा, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर फोर, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपैंडेड फॉर्म। इस नंबर को हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? पहले हमने यहाँ से फाइव उठाया, अब जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसकी जगह हम, तो यहाँ से फाइव उठाएंगे, अब जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतनी ही जीरो लिख देंगे। मतलब कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। प्लस नेक्स्ट नंबर उठाया जीरो, तो जीरो के आगे जीरो लगाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज जीरो ही रहेगा। नेक्स्ट थ्री उठाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स आगे इसकी कितनी है? वन, टू, थ्री, फोर। प्लस नेक्स्ट टू, वन, टू, थ्री, वन, हंड्रेड, ज़ीरो एंड नाइन, ठीक है। ये जो ज़ीरो है उसको आप लिखो या ना लिखो, इट डजेंट मैटर, राइट। सो आपकी मर्जी, आपको ज़ीरो लिखना है या नहीं लिखना। ज़ीरो को ऐड करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आंसर वही आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। 80 करोड़ 23,093, इसको हमें फिगर्स में लिखना है। फिगर्स माने तो नंबर्स में लिखना है, राइट। तो क्या होगा? 80 करोड़ 23,000 है, लैक्स नहीं है, तो उसकी जगह हम जीरो जीरो लगाएंगे। देन क्या है? 23,093, ठीक है। तो इसको हम नंबर्स में इस तरह लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 4 इन द नंबर 5437। सो पहले ये वाला नंबर लिख लेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 5437। क्या करना है हमें इसमें? बोला है कि डिटरमाइन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का प्रोडक्ट निकालना है ऑफ द डिजिट 4। 4 कहाँ पे है? ये है। तो पहले हम इस नंबर में प्लेस वैल्यू क्या होगी 4 की? प्लेस वैल्यू ऑफ 4 विल बी 400, एंड फेस वैल्यू क्या होगी 4 की? 4, क्योंकि फेस वैल्यू इज द नंबर इटसेल्फ, तो 4 की फेस वैल्यू 4 हो जाएगी। अब हमें बोला है कि इन दोनों का, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का, हमें प्रोडक्ट निकालना है, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा इनका? 400 इंटू में 4, एंड द आंसर विल बी 1600। अब जो ये क्वेश्चन था ना, सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है या ऐड करने को भी बोला जा सकता है। तो आई विल बी शेयरिंग यू द लिंक, उसमें से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें प्रोडक्ट के भी होंगे, ऐड करना भी होगा, मल्टीप्लाई करना भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 895 एंड दैट ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, क्या फाइंड करना है? फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस करना है हमें, बिटवीन द नंबर, बिटवीन द नंबर 895 का एंड दैट ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। मतलब उसके डिजिट्स को अगर हम रिवर्स कर दें, रिवर्स मतलब पलटा दें। देखो, ओरिजिनल नंबर क्या दिया है हमें क्वेश्चन में? 895।
राइट। अब बोला है कि दैट ऑब्टेंड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स, इसकी अगर हम डिजिट्स रिवर्स कर दें तो रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, 5, 9, 8। मतलब जो वंस प्लेस पे था उसको मैंने हंड्रेड्स प्लेस पे कर दिया, जो टेंस प्लेस पे था तो वो तो टेंस प्लेस पे ही रहेगा और जो हंड्रेड्स प्लेस पे था वो वंस प्लेस पे। अब इनका हमें डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस हम निकाल सकते हैं इजीली। डिफरेंस क्या हो जाएगा, 895 माइनस 598, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 297। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।